अब हम पढ़ते हैं कुछ डिजीज़ेस एंड उनसे रिलेटेड क्या क्या आई सिम्टम्स आते हैं। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें नियोवेस्कुलराइजेशन दिखता है। अब ये जो नियोवेस्कुलराइज्ड वेसल्स हैं, जो नई वेसल्स बन रही हैं, ये एबनॉर्मल बन रही हैं। इनके एबनॉर्मल बनने की वजह से क्या होगा कि हम एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट कौन सा करेंगे? टेस्ट हम फ्लोरेसेंट टेस्ट करेंगे, जिसको हम फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी बोलते हैं। इस फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में क्या होता है कि 5% जो है हम फ्लोरेसेंट एंटीक्यूबाइटल वेन में हम इंजेक्ट करते हैं एंड प्यूपल को डायलेट करते हैं। पहले प्यूपल को डायलेट करेंगे, देन उसके बाद हम फ्लोरेसेंट जो है डाई हम इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फंडस देखेंगे। जब हम फंडस की फ्लोरोस्कोपी करेंगे देन हमें क्या दिखेगा? हमें नियोवेस्कुलराइजेशन दिखेगा। अब कैसे पता लगेगा कि वो नियोवेस्कुलराइजेशन है? तो मैंने जैसे बताया कि जो न्यू वेसल्स जो बन रही है, नियोवेस्कुलराइजेशन मतलब न्यू वेसल्स बन रही हैं, वो जो बन रही है वो एबनॉर्मल बन रही हैं। वो एबनॉर्मल बनने की वजह से उनकी जो वॉल है वो लीक करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें जो फ्लोरोस्कोपी में क्या दिखेगा कि जैसे ये वेसल जा रही है उसके अराउंड हमें ऐसे डाई दिखेगी बिखरी हुई। तो ये जो है वो न्यू वेस्कुलराइजेशन को आपका दिखाता है। अब नेक्स्ट है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है इस न्यू वेस्कुलराइजेशन की। ये जो प्रोलीफरेटिव, ये जो न्यू वेस्कुलराइजेशन है वो कौन सी कंडीशन में देता है? दैट इज़ प्रोलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट में हम फोटोकोआगुलेशन करते हैं। फोटोकोआगुलेशन ऑफ इश्चेमिक एरियाज। ताकि जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो कम हो जाए एंड जो ये वेसो प्रोलीफरेटिव फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं ये इश्चेमिक एरियाज, वो भी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये था जो हमें डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।